हेलो वेलकम टू द रहमान केमिस्ट्री चैनल और आप सब जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के बेसिक पे ज़्यादा बात करना चाहता हूँ और मैं सिर्फ कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ इधर की बातों पे कम फिलहाल वैसे ही मैं जैसे मैं इस पीछे कुछ थोड़ा सा मैं प्रीवियस नॉलेज पर जाऊँ या प्रीवियस वीडियोज़ पर थोड़ा बात कर लूँ हल्का सा थोड़ा सा मैं हिंट दूँ आपको तो आप पाएंगे उसमें हमने डिस्कस किया था काबो का टाइम काबा नाइन फिर एडिकटिव का टर्म हमें इस्तेमाल करें ज़्यादा बेटर होगा फिर हमने इंडक्टिव इफेक्ट पे बात की आपको दो वीडियोज़ उसके लिए बताएं आपको अब जो उसके बाद आप सिलसिले सिलसिलेवार में आगे बढ़ते जाएँगे या अब हमारा नेक्स्ट जो है बेसिकली जो हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट इफेक्ट कि हम बात कर रहे थे उसमें एक नाम था इंडक्टिव इफेक्ट दूसरा नाम आता है रेजोनेंस दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रेजोनेंस और रेजोनेंस और मेजोमरिक इफेक्ट दोनों की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में ही चीज़ अलग है पहले हम रेजोनेंस पर बात डिस्कस करके फिर हम मेजोमेरिक पे आएंगे कि किस कंडीशन में हम इफेक्ट अप्लाई करते हैं किस कंडीशन में रेजोनेंस होता है रेजोनेंस के टॉपिक से निकल के ही बेसिकली मेरे इफेक्ट बन बनता है फिलहाल हम रेजोनेंस पे बात करना चाहते हैं रेजोनेंस क्या है बेसिकली हम सब जानते हैं कि अगर एक से ज़्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर मतलब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड के जरिए अगर आप बनाते हैं इसका मतलब जहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होता है जिसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन सकते हैं वैसे कंपाउंड को हम वैसे स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं याद रखना है बिल्कुल कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अभी हमें कुछ नहीं मिला है इसके बारे में कैनोनिकल मतलब मोर देन वन दैट इज रेडिसकोल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है तो इसके बारे में आपने पहले भी देखा होगा ऐसा कुछ नहीं है सेकेंड पॉइंट पर अगर आप गौर करें इस पर तो आप देखेंगे यहाँ पर रियल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हाइब्रिड ऑफ पॉसिबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से पॉसिबिलिटी होती है और सबसे ज्यादा आखिरी में जो स्ट्रक्चर बनता है डैस और हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बात आगे करूँ एग्जाम्पल लेकर के जहाँ पर हम डैस से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे कंडीशन में दैट इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर द रेजोनेंस कहलाता है तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बेसिकली डिपेंड करता है कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर मैं बार बार कह रहा हूँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल कोई कॉन्फ़िगरेशन होता है रेजोनेंस में स्ट्रक्चर होता है वो होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसके बाद अगर आप पता लगाते हैं कितने सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं तो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन के साथ प्लस वन अगर आप नंबर ऑफ बॉन्ड पाई बॉन्ड्स लीजिएगा ना कि इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करना है हमें सिर्फ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करके प्लस वन कर देंगे इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं दूसरी बात रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है तो ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैन शो कंजुगेशन कंजुगेशन मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनना इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से डबल बॉन्ड का बनना बनना टूटना दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती है लेकिन ऐसा हो सकता है याद रखिएगा जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले सकते हैं ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट शोज द कंजुगेशन बट ऑल कंजुगेट सिस्टम डजेंट शो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बड़ा अजीब गरीब चीज़ है ये इस पर खास कंडीशन है देखिए रेजोनेंस के लिए हमेशा कंजुगेशन होना बहुत जरूरी है ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो कंजुगेशन कंजुगेशन शो करते हैं कंजुगेट सिस्टम होते हैं या डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है वैसे केसेस में कभी भी आपको वो रेजनेंस नहीं भी हो सकता है रेजोनेंस नहीं होने की पॉसिबिलिटीज़ क्या है देखिए क्यों पॉसिबिलिटी कहाँ नहीं होती है? मान लीजिए कंजुगेशन डबल बॉन्ड बना रहे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच एटम है जिसके पास ऑलरेडी उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है या इलेक्ट्रॉन देने के बाद आठ से दस हो जाए इलेक्ट्रॉन उसके पास यहाँ पे एट टू टेन अगर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं इसके पास इसका हमें ख्याल रखना है अगर ये मान लीजिए इसके पास इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के बाद अगर मोर देन एट इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो वैसे कंडीशन में हम उसे रेजोनेंस नहीं कहेंगे अब सिर्फ कंजुगेशन कह सकते हैं या लेस देन रेजोनेंस करने के बाद अगर लेस देन एट इलेक्ट्रॉन आता है मतलब करने के बाद तो वैसे condition में भी हम इसको नहीं ले सकते Resistance में contribution नहीं माने जाता उसका इस तरह से अभी आगे आप डिटेल एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आपको सीजन और भी क्लियर हो जाए जैसा कि आप ऊपर देख रहे थे आपको बताया गया ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे जहन में तभी आप रेजोनेंस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे मैं थर्ड पॉइंट पे बात कर रहा था यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे देखिए खासकर कंजूट सिस्टम किस कंडीशन में कंज्यूटर सिस्टम बनता है रेजोनेंस नहीं बनता है उस कंडीशन के लिए वहाँ पे नीचे दी गई चीज़ें हैं जहां मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको ए ए पोर्शन मैंने डिस्क्राइब कर दिया था अब मैं बी पोर्शन पे आता हूँ बी पोर्शन पर आप गौर करें तो रेजोनेंस नहीं पॉसिबल लगा वहाँ पर जहां कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम प्रेजेंट है जैसे ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो ऐसे कंडीशन में उसका ना हाइब्रिड स्ट्रक्चर ज़्यादा नेग्लिजिबल होता ना के बराबर हाईली अनस्टेबल माना जाता है तो वैसे कंडीशन में इसको रेजोनेंस में नहीं कंसीडर करते दूसरी बात आप देख सकते हैं कि सी पॉइंट में सेकंड सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कैन नॉट जैसे खासकर मैं बात करूं आपको जैसे ब्रिलियम ब्रिलियम नाइट्रोजन कार्बन दिस आर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे कंडीशन में अगर उसका ऑक्टेट इज एबसेंस ऑफ वैकेंट डिओबिट उसके बाद डिओबिटल नहीं होता है तो इसके इस कंडीशन में भी इसके ऐसे स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते ये सब चीज़ें खासकर मैं पॉइंट्स याद रखने हैं देखिए थर्ड में मैंने ए और बी और सी तीन पॉइंट नए तीनों पॉइंट जहन में रखना है पहला कंडीशन उसमें इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट होगा तो नहीं होगा फिर इससे अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आटम उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो वैसे कंडीशन में अनस्टेबल होगा और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के ऑक्टेट कभी भी एक्सटेंड नहीं कर सकते क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते उसके पास ज़्यादा ऐसे कंडीशन दैट इज कॉल्ड डी ऑर्बिटल उसके पास नहीं होता जैसा कि आप जानते हैं कि टू सेकंड पीरियड में टू एस टू पी होता है टू डी नहीं होता इसकी वजह से यह ये कंपाउंड का स्टक्चर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिया उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जैसे यहाँ पर देखिए किस कंडीशन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे देखिए कहां पॉसिबल होगा कहां पॉसिबल नहीं होगा मैंने एग्जाम्पल लिया यहां पर सी एस टू डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एस टू और ये सी एस टू प्लस है तो यहाँ पर देख रहे हैं कंजुगेशन नहीं पॉसिबल बिकॉज ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच नहीं है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पे पाई बॉन्ड नहीं है जो प्लस चार्ज के स्था तो एक्सेप्ट करता है ऐसे कंडीशन में रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता हाँ अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्टली यहाँ प्लस चार्ज प्रेजेंट है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जाहिर सी बात है यह यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले सकता है इलेक्ट्रॉन लेना और देना जो बात आप कह रहे हैं यहाँ पे यहां पे हम शो करना चाहते हैं उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं जब भी आप इलेक्ट्रॉन को शो करना चाहते होंगे यहां पर यहां पे कंप्लीट दोनों इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है आपके दोनों इलेक्ट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर होंगे जब दोनों ट्रांसफर होंगे तो जाहिर सी बात है एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का अपना था ये इलेक्ट्रॉन पूरा उठ के यहां जाएगा अल्टीमेटली वाट एम दर इज अ डबल बॉन्ड इज हम इन हम इन दोनों को कैनोनिकल स्ट्रक्चर मान सकते हैं तो ऐसे कंडीशन में अगर देखिए प्लस चार्ज अगर दोनों साइड आ रहा है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं दैट ओनली सिंगल पॉजिटिव चार्ज जो यहां पे ये मूव कर रहा है पूरे कंपाउंड के अंदर पूरे के अंदर हम कह सकते हैं तो ऐसे कंडीशन में एवरेज चार्ज प्लस हाफ और प्लस पे हाफ पे हम बांट सकते हैं माना दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड को माना जाता है यही आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो डॉट से आपने रिप्रेजेंट किया ये डॉट है पूरा ऐसे इस तरह से डॉट हम रिप्रेजेंट करते हैं ये बताना चाहते हैं कि दोनों साफ डबल बनने के चांसेस हैं बनते हैं आप यहाँ पे देखें

इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से हम कम्प्लीट ये देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को मैंने बताया था पहले भी हम इसे हाफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो रेजोनेंस में ऐसे एरो को रिप्रेजेंट करना हमें पता होना चाहिए सेम एज देखिए यहाँ पे कार्बन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया अल्टीमेटली यहाँ डबल बॉन्ड बना तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई ये चीज़ याद रखना है दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए तो ये बॉन्ड टूट गया क्योंकि जाहिर से बात है ऑक्टेट यहाँ आठ से ज्यादा नहीं हो सकता अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्टीमेटली देखिए चार और चार आठ और दो दस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है ऐसे कंडीशन में रेजोनेंस नहीं हो सकता तो अल्टीमेटली ये बॉन्ड टूट करके इधर जाएगा तो यहां पर फिर आपको दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो इस तरह से शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टिक्स पर तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि रेजोनेंस आपको हो सकता है रेडिकल्स में भी रेजोनेंस होता है देखिए डबल बॉन्ड के साथ अगर सी एस टू रेडिकल प्रेजेंट है तो रेडिकल का एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां जाता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक इधर देगा तो अल्टीमेटली यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऑड दट इज कॉल्ड ऑड रेडिकल इज प्रेजेंट अब देखिए जैसे एन टू प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है तो ऐसे कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता तो अल्टीमेटली अपना इलेक्ट्रॉन देगा जिससे यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये ख्याल रखिएगा जब भी ये कोई रेजोनेंस शो करेंगे हमेशा अपना ऑक्टेट जरूर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट है इनका कंप्लीट का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी इनके पास आठ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आठ इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकते आप एट इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए देने के बाद ये बॉन्ड बना तो अल्टीमेटली कार्बन के पास यहाँ पे दस तो ये बॉन्ड टूट के आगे जाएगा अल्टीमेटली यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे तो से देखिए इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज तो आया बट अल्टीमेटली ये प्लस चार्ज के साथ साथ प्रॉब्लम क्या कि ये अपने ऊपर देखिए ऑक्टेट को कंप्लीट करते हुए इस काम को कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम रेडिकल्स को हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं आगे बढ़ते हैं देखिए हमारे पास ओ सी एच टू प्लस है अब ऑक्सीजन के पास देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इनके पास अगर आप चेक करें तो आपको मिलेंगे मात्र यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ पे पाए जाएंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स तो जाहिर सी बात है कि इसके सिक्स इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे तो अल्टीमेटली यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है और खास ख्याल रखिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है बट इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है अब यहां पे देखिए ऑलरेडी इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आठ इलेक्ट्रॉन है ऐसे कंडीशन में कंजुगेशन तो हो सकता है हो सकता है कि आप ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन को दे दे कंजुगेशन लेकिन रेजोनेंस हम इसको नहीं कह सकते बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है दोनों के पास पहले से ही आठ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये ख्याल रखना है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के साथ साथ हमेशा ये अपने पास ऑक्टेट को कंप्लीट रखते हैं मतलब एट इलेक्ट्रॉन अगर पहले से प्रेजेंट है वहां पे कभी भी आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं कर सकते अगला कंडीशन देखिए बी एस टू सी एस टू प्लस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे चार्ज वैकेंट डी ऑबिटल इनके पास वैकेंट डी ऑबिटल नहीं होता बी के पास जैसा कि आप जानते हैं इसके पास आउटर मोस्ट में कितने होंगे होते हैं टू एस टू और टू पी वन होते हैं टू एस टू और टू पी वन सॉरी टू पी टू पी वन होंगे फाइव थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके बैलेंस शेट में इसके पास डी ऑबिटल खाली नहीं है ऐसे कंडीशन में दूसरी बात यहाँ पे ऑलरेडी प्लस चार्ज प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जो एक्सेप्ट कर सकता है शायद पी भी कर ले बट ऐसे कंडीशन में कंजुगेशन पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस आपका नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दोनों ज़रूरी ज़रूरी से बात है क्योंकि ये भी सिक्स है तो क्या ना इस रेजोनेंस नहीं हो सकता बिकॉज दोनों देखिए सिक्स इलेक्ट्रॉन है और ये भी आपका सिक्स इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लेने देने का चक्कर यहाँ पर होगा ही नहीं तो ऐसे कंडीशन में कंजुगेशन भी नहीं पॉसिबल है कि ही इसके पास सिर्फ चार्ज प्रेजेंट है प्लस हाँ अगर माइनस चार्ज प्रेजेंट है ऐसे कंडीशन में तो यहाँ पे देखिए इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है इसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है दोनों को कोई नुकसान नहीं दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं दोनों के पास अब यहाँ देखिए अगर आप देखें इनके पास एट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और इनके पास आपको मिलेंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन तो ऐसे कंडीशन में ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए तो वैसे कंडीशन में ये रेजोनेंस शो कर सकते हैं यहाँ पे कंजुगेशन तो नहीं का बट देर इज रेजोनेंस टेक्स प्लेस आगे बढ़ते हैं देखिए अब आगे नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें यहाँ पे तो आप पाएंगे यहाँ पे कि हमारे पास देखिए एनओ है या सी है इनके पास कोई लोन पेयर नहीं है तो जाहिर सी बात है प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है इसको इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता तो ना ही यहाँ पे कंजुगेशन ना ही यहाँ पे ना रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है कंजुगेशन शायद हो भी जाए ऑक्सीजन के साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है बट रेजोनेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन के पास प्लस चार्ज प्रेजेंट है इन दिस केस अगर आप देखें तो इनके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन अगर देंगे यहाँ से तो यहाँ पर कंजुगेशन पॉसिबल हो सकता है और यहाँ पे साथ साथ देखेंगे आप ये इलेक्ट्रॉन दिया है इनको तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे इससे बेनिफिट ये हुआ कि इनके पास ऑक्टेट दोनों के पास एट एट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे इलेक्ट्रॉन एटम ऑक्टेट कंप्लीट है, है तब का तो ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए भी हम रेजोनेंस की बात नहीं करते इसके पास भी एट है इसके पास भी एट प्रेजेंट है तो ना ही कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है तो हम यहाँ पर ये यह बात कह सकते हैं कि नेगेटिव एटम जो प्रेजेंट है आपके पास उनके अंदर अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे थे एग्जाम्पल देखिए एनोटू अगर आप इस पर गौर करें तो यहाँ पे हम पाएंगे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है एनोटू के साथ और साथ में यहाँ पे देखिए प्लस चार मतलब इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसके पास देखिए लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन के पास और यहाँ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो हो सकता है कि यहाँ पे कंजुगेशन तो पॉसिबल है ये यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाए और शिफ्ट करने के बाद यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाए इस तरीके से आप ले सकते हैं ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एन यहाँ पर ओ लिख देता हूँ चलिए छोटा सा बाकी यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सी एस टू के चार्ज खत्म हो जाएंगे ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है हो सकता है लेकिन प्रॉब्लम एक क्या आ जाएगी यहाँ पे कि ऑक्सीजन के पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगा इसके पास देखिए चार्ज प्लस आ जाएगा और जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसा हमने पीछे ऊपर पॉइंट बताया है पॉइंट नंबर थ्री बी पे जाएंगे अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है उसके हर एटम का ऑक्टेट जहाँ कंजुगेशन ऑफ पाई बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही है उसके पास एट इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसका मतलब इसकी वजह से ये कभी भी रेजोनेंस शो नहीं करेगा बट इट कैन शो कंजुगेशन नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच दोनों रिच स्पीसीज प्रेजेंट है और यहाँ पे देखिए अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास वही देखिए यहाँ पे चार लोन दो लोन पेयर प्रेजेंट होंगे इस तरह से देखिए ये दो लोन पेयर प्रेजेंट हैं इनके पास तो सही ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करे यहाँ से यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ जंप करेगा उससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा यहाँ पे एन यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे इसके पास ऑक्ट डायग्राम में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जिसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड बना इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया अपना जिसके पास इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होगा अगर ऑक्टेट कंप्लीट है इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम का कार्बन का भी कंप्लीट है जहाँ पे कंजुकेशन हो रहा है वैसे कंडीशन में यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह सब एग्जाम्पल्स हैंगजाम्पल में आगे देखिए हमारे पास फ्लोरन है और सी एस टू प्लस है जाहिर सी बात है सी एस टू के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है फ्लोरिन के पास अगर हाँ आप आते हैं इनके पास सिक्स प्लस टू एट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे हो सकता है कि फ्लोरिन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके ताकि कंजुगेशन बन पाए मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है दे दिया डबल बॉन्ड बनाए प्लस चार्ज प्रेजेंट है लेकिन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है ऐसे कंडीशन में भी रेजोनेस हो सकता है लेकिन अगर यहाँ पर देखें सी माइनस प्रेजेंट है सी माइनस अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद दस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ना ही यहाँ पर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं शायद हो जाए बट यहाँ पे हम कभी भी नहीं कह सकते

यहाँ पर भी देखिए अपना ये रूल वॉयलेट करेंगे वो कैसे देखिए ये रेजोनेंस नहीं शो कर सकते क्योंकि ऐसे कंडीशन में देखिए यहाँ पे क्लोरीन के पास पहले से ही यहाँ पर आप पाएंगे कि सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में अब इसके पास एट हो चुके हैं और इसके पास भी एट है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी प्रॉब्लम ये आएगी कि इसके पास दस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन देता है इसको तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे या क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता है इसको दस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में भी वॉयलेट कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट थ्री जो मैं बता रहा हूं बार बार रूल जो बताए पॉइंट जो बताए तीनों तीनों पॉइंट को थ्री ए बी सी तीनों को अच्छे से आप याद कीजिए किस कंडीशन में कंजुगेशन हुआ किस कंडीशन में आपका रिजनेस स्ट्रक्चर हो सकता है इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है इस केस में आइए NH3+ लिखा हुआ है इसके पास देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है तीन बॉन्ड आपको हाइड्रोजन में प्रेजेंट है एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है तो सिक्स और टू एट इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं इसके पास इसके पास भी एट है अगर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करता तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट हो जाएगा पहली प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी और इनके पास देखिए छः और चार दस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये इसका मतलब ऑक्टेट को वॉलेट कर रहे हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती नेक्स्ट केस देखिए यहाँ पे सी टू दिया हुआ हमारे पास सी एच और पी थ्री प्लस दिया हुआ तो फास्फोरस के पास हम जानते हैं थर्ड थर्ड पीरियड का एलिमेंट है इसके पास थ्री डी ऑर्बिटल होगा जरूर वैकेंट तो ऐसे कंडीशन में यह इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है इसकी कैन फॉर्म फाइव बॉन्ड बना सकता है तो ऐसे कंडीशन में हम रेजोनेंस मानते हैं अब नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा आपको अगर मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फॉसफोर सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनर ड्यू टू लोन पेयर की वैसे डोनर बन सकते हैं और वैकेंट ऑर्बिटल की वैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन सकते हैं इनको भी रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट किया तो तो इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद रखना है कि जिसके पास थ्री डी ऑर्बिटल वैकेंट होगा वो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी वहाँ पर हो सकती है और वो रेजोनेंस शो कर सकते हैं खासकर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फॉस्फोरस इस पर आपको पूरा ध्यान देना है यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमारे पास और इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात की गई और इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं अब इसकी स्टेबिलिटी का पता कैसे लगाएंगे इसके बारे में आपको कुछ रूल्स जानने पड़ेंगे रूल्स जानने के बाद ही आप इसको समझ पाएंगे फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ क्या है इसके बारे में यहाँ पर देखिए हमारे पास ये तकरीबन चार स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे आर इन द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्मिंग एसिड है हमारे पास एस सी डब्ल्यू एच आप जानते हैं मिथेनोई एसिड भी कहते हैं इसको पहला कंडीशन क्या हुआ ये देखिए फर्स्ट केस में क्या किया उन्होंने फर्स्ट केस में हमने यहाँ पे किया है ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया यहाँ से सॉरी यहां से हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ देखिए यहाँ पे एट इलेक्ट्रॉन पे यहाँ प्लस चार्ज सेकंड कंडीशन आ गया थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है कि सेकंड कंडीशन से ये इलेक्ट्रॉन अगर जंप करे क्योंकि तो कार्बन पे प्लस चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है क्लियर है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है एक कंडीशन यहाँ बताया जा रहा है कि अगर ये कार्बन यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन देगा देखिए ऑक्सीजन पे प्लस और कार्बन पे माइनस चार्ज प्रेजेंट आ गया अगर उल्टा सोचे तो इस तरह से चार पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई गई है आपको डीज आर द फोर पॉसिबिलिटी अगर इसमें पूछा जाए आपसे ये बताइए इनमें सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा वन टू थ्री फोर ये चार स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन हो सकते हैं तो ऐसे कंडीशन के लिए हमें कुछ रूल्स जानना जरूरी है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा और बताएंगे कि वन टू थ्री फोर जो है इसे किस तरह से हम अरेंज करते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल होगा उस रूल्स को अगर आप दिमाग में याद रखेंगे उस पॉइंट वाइज तो वो नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा आपको उस कंडीशन में फिर आपको ज़्यादा और आसानी से आप पता, पता लगा पाएंगे कि वन टू थ्री फोर में सबसे स्टेबल आप वन को मानेंगे या टू को मानेंगे या थ्री को मानेंगे या फोर के मानेंगे वो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे आई होप मैंने कोशिश की है शायद आपको समझ में आया हो अगर आया है तो आप जरूर आप कमेंट सेक्शन में जाएँ और इसके बारे में लिखें और बताएँ अपनी राय जरूर रखें थैंक यू होप फॉर द बेस्ट और मैं कोशिश कर रहा हूं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स और भी आते तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं